morning, students. How are you? Students, in our last classes, we finished our biomolecules part 1, carbohydrates. Today, we are going to discuss our next topic of biomolecule, that is protein. ठीक है? तो सबसे पहले protein होता क्या है? अब अगर हम इसकी definition की बात करें तो proteins are the polymer of alpha amino acid. ठीक है? About polymer, you very well known about this definition. Polymer क्या होता है? In which small hits जो power repetition में जाए. अब यहाँ पे क्या लिखा? Polymer of alpha amino acid. It means protein में आपका क्या होगा? बार बार आपके alpha amino acids क्या होंगे? Repeat होंगे, join करेंगे. N number. ठीक है? तो the question arises is now कि बात आर alpha amino acid. तो देखो alpha amino acids के लिए आपका कार्बन, और जब एसिड की बात हो रही है तो इस कार्बन के पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, दैट इज COOH. ठीक है? ये हमारा क्या है? अगर इफ COOH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, इट इज मेन फंक्शनल ग्रुप. ठीक है? एंड कार्बन हैज वन एच एंड वन आर. ठीक है? तो दिस मेन फंक्शनल ग्रुप, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन. ठीक है? नेक्स्ट कार्बन इज बीटा कार्बन, बट द फोर्थ वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन ऑक्यूपाइड बाय एनएच टू ग्रुप मींस अमीनो ग्रुप. ठीक है? तो दिस इज नोन एज अल्फा अमीनो एसिड. एग्जिस्ट तो हमारे बीटा अमीनो एसिड्स भी करते हैं, गामा अमीनो एसिड्स भी करते हैं. गामा अमीनो एसिड क्या होगा? अगर देखो बीटा अमीनो एसिड्स, दिस कार्बन अटैच टू द COOH ग्रुप, दिस वन इज अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज बीटा कार्बन. इफ एनएच टू ग्रुप इज अटैच टू द बीटा कार्बन, ठीक है, दिस सेटिस्फाइज सम ग्रुप ऑफ वैलेंसीज. ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ अमीनो इज नोन एज बीटा अमीनो एसिड. बट इन प्रोटीन इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. मीन्स प्रोटीन में हमारा सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड होंगे, बीटा अमीनो एसिड या गामा अमीनो एसिड नहीं होंगे. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन. कॉपी दिस थिंग. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा दिस वन इज द अल्फा अमीनो एसिड. सो बेस्ड ऑन दिस आर ग्रुप वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ आर इज इक्वल टू एच, इट मींस अगर आर की जगह हमारे पास एच आ जाए, देखो हमारा अल्फा अमीनो एसिड क्या बनेगा? सी एच सी ओ एच. हियर इज एन एच टू एंड हियर एच. ठीक है? दिस इज वन टाइप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड. और इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्या आपका ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इसका नेम है. अगर हम इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जी एल वाई. और इसका अगर नोटेशन देना चाहे तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से. इफ आर इज सी एच थ्री, मींस ना इन प्लेस ऑफ जहां पर हमने एच को रिप्लेस किया था, एच की जगह हम क्या लेकर आ रहे हैं? सी एच थ्री को. ठीक है? तो अवर अल्फा अमीनो एसिड्स बिकम एच सी एच थ्री सी ओ ओ एच एंड हियर इज एन एच टू. नाउ दिस अमीनो एसिड्स नोन, दिस अमीनो एसिड इज नोन एज एलेनिन. इन शॉर्ट नोटेशन AL. Let me check. ALA. Alanine. तो इफ अगर हम इस आर को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ग्रुप से रिप्लेस करते रहे तो वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड. एंड इन डिफरेंट
even in NCERT or different books, you saw a table of different types of amino acid. कि हम R की जगह किस किसको लेकर आए, तो हमारा amino acid क्या बनेगा. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यू सी दिस कार्बन. देखो ये कार्बन क्या इसकी चारों वैलेंसी सेम है डिफरेंट है, क्या सारे जो इससे अटैच है वो क्या डिफरेंट है? नहीं. आप देखिए इस कार्बन के पास क्या है, सेम मीन्स टू ओ एच ग्रुप, सॉरी टू एच ग्रुप है. इट मीन्स ये कार्बन क्या कायरल कार्बन है? नहीं. देखो कायरल कार्बन क्या होता है, अगर किसी कार्बन के पास उसके चारों वैलेंसी पर अलग अलग एटम्स हों तो क्या होगा आपका कायरल कार्बन, मीन्स डिफरेंट वैलेंसी. यहाँ पर दो ओ एच ग्रुप आ गए, ये कायरल कार्बन नहीं है. इट मीन्स ये जो अगर इट इज ए कायरल कायरल, ये हम क्या बोलेंगे ए कायरल. देखो कायरल कार्बन ही क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, इन वेदर इट इज इन लेफ्ट साइड और राइट साइड, मीन्स इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. अगर कोई कार्बन ए कायरल है तो क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव. इट मीन्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमीनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो आप यहां पर देख सकते हो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव. सिर्फ आपका ग्लाइसिन ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी जो भी हम आर को रिप्लेस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से तो या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से तो हमारे जितने भी प्रोटीन्स आएंगे वो क्या आएंगे कायरल कार्बन है. क्योंकि देखो यहाँ पर सेम एच ही आया था तब हमारा ऑप्टिक ए कायरल था, अदरवाइज ये क्या होगा कायरल, और कायरल होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा. ठीक है, नोट डाउन दीज थिंग्स क्विकली स्टूडेंट्स. अब देखो अभी तक हमने देखा दिस वन इज अवर अल्फा अमीनो एसिड, और इस डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप के बेसिस पर हमारे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे. ठीक है, अब हमें क्लासिफाई करना है उन अमीनो एसिड्स को कि हम उसको कैटेगराइज कैसे करें ताकि हमारी स्टडी क्या बने थोड़ी सी सिंपलर बने. ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड. अमीनो एसिड को मैं एक एक शोर से रिप्रेजेंट करती हूँ. ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड एंड दिस इज न्यूट्रल अमीनो एसिड. अब आप देख रहे हो आपके अल्फा अमीनो एसिड में एक सी ओ एच पार्ट है और एक एन एच टू पार्ट है. ठीक है, यू वेरी वेल नोन दैट सी ओ एच इज एसिडिक इन नेचर एंड एन एच टू इज बेसिक इन नेचर, मीन्स दिस फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक बिहेवियर एंड दिस ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक बिहेवियर. ठीक है, एंड न्यूट्रल मीन्स इफ आपका जो सीओ एच पार्ट है नंबर में वो किसके बराबर हो, एन एच टू पार्ट के बराबर. मीन्स अगर हमारे पास वन सीओ एच है वन एन एच टू है तो वो एसिडिक और बेसिक क्या हो जाएंगे, इनफैक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे. That type of acid is known as neutral amino acid. अगर यहाँ पे हम एसिडिक का एग्जाम्पल लें तो अगर आपका COOH फंक्शनल ग्रुप सपोज करो आप जो आर रिप्लेस कर रहे कोई ग्रुप उसमें भी COOH आ गया और आपके अमीनो एसिड में एक COOH तो है. ठीक है, तो टोटल कितने COOH हो गए टू और NH2 कितना हो गया वन. तो इस केस में आपका डोमिनेट करेक्टर कौन, डोमिनेट कौन सा करेक्टर कर रहा है एसिडिक करेक्टर, तो दैट अमीनो एसिड इज नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड. तो अगर आपका COOH ग्रेटर नंबर में है एज कंपेयर टू NH2 दैट अमीनो एसिड इज नोन एज एसिडिक अमीनो एसिड. सिमिलरली अगर NH2 का नंबर ज्यादा हो जाए तो किस COOH से तो आपका कौन सा अमीनो एसिड होगा बेसिक अमीनो एसिड. तो देखो अब इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हमने अभी देखा था, अगर मैंने ग्लाइसिन दिया था मैंने आर को किससे रिप्लेस किया एसिड, तो आपका सीओ
एच एन एनएच टू। तो यहाँ देखो एक ही आपके पास CO है, एक ही NH2 है, तो ये ग्रुप आपका ये कैसा हुआ आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड, और इसका नेम क्या है ग्लाइसिन। ठीक है, अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड पे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन इज अब NH2। ठीक है, अब जो आपका ग्रुप रिप्लेस हो रहा है R, अगर वो R किससे रिप्लेस हो जाए CH2 COOH से हो जाए। ठीक है, अब सॉरी CH2 COOH। ठीक है, तो अब देखो एक COOH ग्रुप आपका यहाँ है, एक COOH ग्रुप आपका यहाँ, तो NH2 कितना है 1, तो डोमिनेंट कौन सा फंक्शन ग्रुप का है COOH, तो ये आपका कौन सा होगा एसिडिक अमीनो एसिड, और इस एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अगर यहां पे देखो अब बेसिक अमीनो एसिड कार्बन है COOH H एंड NH2, अगर आपका रिप्लेस करने वाला CH2 three times and then NH2। ठीक है, जो मैंने R ग्रुप रिप्लेस किया उसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप आया NH2, और एक NH2 यहाँ पे एक COOH यहाँ पे, तो डोमिनेट करेक्टर कौन सा था आपका NH2, तो ये इस एसिड का नाम है ल्यूसीन। ठीक है, तो ये कौन सा इस चीज का एग्जांपल है बेसिक अमीनो एसिड, आपको याद रखना है बट एसिडिक अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल, और एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ अमीनो एसिड काफी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, सो नोट डाउन दीज थिंग्स क्विकली। स्टूडेंट्स एक छोटी सी करेक्शन कर लेना, दिस इज लाइसिन नॉट ल्यूसीन, लाइसिन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अमीनो एसिड्स को एक कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं, एक कैटेगरी तो हमने पढ़ ली एसिडिक, जिसमें हमने देखा था एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड, एक कैटेगरी और है व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है। देखो देर आर सम अमीनो एसिड्स विच आवर बॉडी सिंथेसाइज, कुछ अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस हमारी बॉडी अपने आप कर लेती है, पर कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो हम कैसे करेंगे अपनी डाइट के थ्रू मींस फूड के थ्रू हम उन अमीनो एसिड्स को लेंगे। ठीक है, तो देखो नाम सजेस्ट कर रहा है असेंशियल मींस हमें जरूरत है, जरूरत कब होगी जब हमारी बॉडी उन अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं करेगी, हमें क्या करना पड़ेगा वो अमीनो एसिड्स बाहर से इंटेक करने पड़ेंगे उनकी, ताकि हमारी जो बॉडी है वो क्या प्रिपेयर कर सके प्रोटीन, क्योंकि अभी देखो हमने क्या देखा था अमीनो एसिड्स क्या है पॉलीमर और सॉरी प्रोटीन क्या है पॉलीमर और अमीनो एसिड्स, एक्चुअली प्रोटीन बने किससे हैं अमीनो एसिड से, तो इस कैटेगरी में वो अमीनो एसिड्स आएंगे दोज अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो उन अमीनो एसिड्स को आप कैसे करेंगे डाइट के थ्रू लेंगे, उनकी सप्लाई उन अमीनो एसिड्स की सप्लाई किसके थ्रू होगी डाइट के थ्रू होगी। ठीक है, और ये अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल मींस हमें रिक्वायर्ड नहीं है, अगर हमें डाइट के थ्रू नहीं भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बॉडी इंटरनली उनको जनरेट कर लेगी फॉर्म कर लेगी बना लेगी, तो ये कौन सा अमीनो एसिड होंगे दोस अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज by our body।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आपका आता है वैलिन, ल्यूसीन, ठीक है, आइसोल्यूसीन, और इसके में हम देखेंगे तो एग्जाम्पल एलानिन, ग्लाइसिन एक्सेट्रा। देखो ओवरऑल हम देखें तो जो अमीनो एसिड है किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बेसिकली 20 अमीनो एसिड चाहिए। कितने चाहिए? 20 अमीनो एसिड चाहिए। तो आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी है जो सिंथेसाइज करती है, जो मेरी बॉडी सिंथेसाइज करती है वो ओनली कितने हैं? 10। तो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनका नंबर कितना है? 10। और बाकी जितने भी अमीनो एसिड्स बच जाते हैं, रह गए, वो हम क्या कैसे लेते हैं? डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं। तो दिस इज द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, नो डाउट। Now we are going to discuss about characteristics of amino acid. ठीक है? तो amino acid generally क्या होते हैं आपके? colorless और colorless के साथ साथ क्या होते हैं? non volatile. ठीक है? colorless हो गया आपका, non volatile हो गया, और ये क्या होते हैं? soluble in water. अब देखो एक कैरेक्टरिस्टिक हमने अमीनो एसिड की यहां देखी। अभी तक हमने अमीनो एसिड का देख क्या देखा था? COOH एंड हियर इज NH2HR। ठीक है, आपको पता है ये क्या है? एसिड है। एसिड क्या करेगा? एच प्लस रिलीज करता है, ये एसिडिक पार्ट है। ठीक है, एंड दिस वन इज द बेसिक पार्ट। और बेस का काम क्या है? एसिड का काम क्या होता है? प्रोटोन रिलीज करना, H प्लस रिलीज। और बेस का काम आपने क्लास में पढ़ा था एसिड बेस के बारे में, तो जो प्रोटोन डोनर होता है वो एसिड, और जो प्रोटोन मीन्स जो H प्लस क्या करे, एक्सेप्ट करे, वो क्या होता है आपका? बेस। ठीक है, तो देखो अगर ये H प्लस रिलीज करेगा तो यहाँ क्या बचेगा? COO नेगेटिव। यहाँ पे क्या बचेगा? COO CHR। अब ये बेसिक पार्ट है, ये क्या करेगा? H प्लस एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो इट बिकम्स NH3 एंड इट एक्सेप्ट H पॉजिटिव, वन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड की एक और फॉर्म है। इस फॉर्म को देखो, यहाँ पे क्या है? एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, ये दो ठीक हुई थी। ठीक है, तो जो हमारा पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट बना है उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो दो पोल्स है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, तो ये क्या है? डाइपोलर है, डाइपोलर है। ठीक है, और ये सोल्ट, देखो अब सोल्ट भी क्या होते हैं? पॉजिटिव पार्ट होते हैं, नेगेटिव पार्ट। तो अल्फा अमीनो एसिड्स ने क्या किया? इंटरनली सोल्ट बना है, तो इस डाइपोलर चीज को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सोल्ट भी बोलते हैं, इंटरनल सोल्ट। इस इंटरनल सोल्ट का नाम है ज्विटर आयन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सीरियसली बहुत बार पूछती है वन मार्क डेफिनेशन में वर्ड मीनिंग पर ज्विटर है, तो आपको ये यही चीज एक्सप्लेन करनी है। अब देखो ये डाइपोलर है, सोल्ट है, तो ये कैसा होगा? नॉन वोलेटाइल के साथ साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होगा, तो एक प्रॉपर्टी और आ गई इसकी, क्रिस्टलाइन। डाइपोलर है, पोल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड। जल्दी से कॉपी करिए। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक रिगार्डिंग
regarding amino acid, that is isoelectronic point. ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, जितना ज्विटर आयन पूछा जाता है, मीन्स इक्वली चांस है दोनों क्वेश्चन आने के. तो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स में अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ब्लैंकेट पॉइंट क्या होता है, दिस वन इज आपने ये क्या था आपका ज्विटर आयन था, ठीक है, डाइपोल जो है. अब देखो अगर इस ज्विटर आयन को मैं एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करूं, एसिडिक मीडियम, ठीक है, मीन्स एच प्लस. तो देखो एच प्लस अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, ये ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीओ एच में, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, आर सीओ एच एंड एनएच थ्री, सॉरी पॉजिटिव. अब इसके ऊपर ओवर ये स्ट्रक्चर वन, ठीक है, ओवर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव आया, तो ये इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते तो ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, आपका नेगेटिव, ठीक है, एनोड की तरफ जाएगा. अगर यहीं पर मैं क्या प्रोवाइड कर दूं, बेसिक मीडियम मींस ओएच, तो आपका ये ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एच आर सी ओ नेगेटिव एंड दिस, ये वापस क्या बन जाएगा, एनएच टू, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सेकेंड स्ट्रक्चर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है. तो जब हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करें, इसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो हमारा ये बनेगा, इसमें और एसिड डालेंगे तो ये बनेगा, इसमें अगर हमने बेस डाला तो ये बनेगा, इसमें और बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया तो ये बनेगा. तो डिफरेंट मीडियम्स में ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो मीन इस अमीनो एसिड की क्या होगी, मूवमेंट होगी, इधर से उधर इलेक्ट्रोड एक बार एनोड की तरफ, एक बार कैथोड की तरफ, ठीक है. तो जिस पीएच पे, एक पर्टिकुलर पीएच पे ये मूवमेंट रुक जाए, कि ना वो कैथोड की तरफ जाए ना वो एनोड की तरफ जाए, उस पॉइंट को, उस पीएच के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, द पीएच एट विच, द पीएच एट विच देयर इज no migration of amino acid under the influence of electric field, under the influence of electric field, that point is known as isoelectronic point. तो यहाँ का isoelectronic point था, और हर एक अमीनो, यहाँ पे देखेंगे मैं R ग्रुप होगा तो हर एक अमीनो एसिड का isoelectronic point क्या होगा, अलग अलग होगा, कि different different pH पे वो migration stop हो जाए, जहां पर migration stop हो जाए उस point को हम क्या बोलेंगे, उस pH को isoelectronic point, ठीक है, नोट डाउन. स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फिगरेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है. देखो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था कॉन्फिगरेशन, एक डी फॉर्म थी और एक अल्फ फॉर्म थी. डी फॉर्म और अल्फ फॉर्म जो कैपिटल कैपिटल लिखा था, उसमें हमने क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट्स में अगर OH, वहां पर कौन सा ग्रुप था, OH था. OH अगर आपका किधर है, राइट साइड में, OH का आपका राइट साइड में, तो उसको हमने कौन सी फॉर्म बोली थी, डी फॉर्म बोली थी. और अगर OH किधर था, लेफ्ट साइड में था, ये ग्रुप कहाँ था, लेफ्ट साइड में, तो कौन से ग्रुप की आपकी अल्फ फॉर्म थी, ठीक है. तो ऐसे डी और अल्फ फॉर्म किसमें एग्जिस्ट करती है, अमीनो एसिड्स में. तो देखो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या था, सी ओ ओ एच एच आर एन एच, ठीक है. अगर आपका यहां पर देखो, अब इसमें रेफरेंस पॉइंट होगा हमारा एनएच टू, क्या तो एनएच टू किधर हो सकता है आपका, लेफ्ट साइड में, ठीक है, या फिर कहा हो सकता है आपका राइट साइड में, राइट साइड का हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, सी एनएच टू आर सी ओ एच, यहाँ पे ये एनएच टू जो ग्रुप है ये कहा आपका राइट साइड, ठीक है, वहां पे रेफरेंस पॉइंट आपका हाइड्रोजन.
हाइड्रोक्सिल अगर राइट में था तो डी है, और यहां पर अगर एनएच टू राइट में है तो आपकी कौन सी होगी, डी, डी अमीनो एसिड, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में है, आप एल एल लेफ्ट से याद रख सकते हो, उसमें ओ एच लेफ्ट में लिया था, राइट में था तो डी था, तो अलीगढ़ यहाँ पे ओ एच टू है, कौन सा ग्रुप है, एन एच टू, तो आपका लेफ्ट में ये आपकी कौन सी फॉर्म है, एल फॉर्म, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं तो जनरली या ज्यादातर आपकी एल फॉर्म ही प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स के अंदर, जनरली आपकी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स की जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म थी, डी फॉर्म थी। अगर कार्बोहाइड्रेट्स में जनरली आप ग्लूकोज वगैरह देख रहे थे तो वहां पे कौन सी फॉर्म थी, डी फॉर्म थी, लेकिन अमीनो एसिड्स में कौन सी फॉर्म है आपकी, एल फॉर्म। तो दिस इज अबाउट द कॉन्फिगरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। स्टूडेंट स्टिल नाउ वी कंप्लीट डिस्कस अबाउट द अमीनो एसिड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ अमीनो एसिड, एंड वी सॉ दैट जनरली इन प्रोटीन्स अमीनो एग्जिस्ट इन एल फॉर्म, ठीक है। अब हमारा टॉपिक तो एक्चुअल प्रोटीन था, तो हम अपने मेन टॉपिक पे मूव करते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या है, पहले बताया था पॉलीमर ऑफ अमीनो, सॉरी अल्फा अमीनो एसिड। अब देखो मैंने कहा प्रोटीन में कौन सी फॉर्म होती है, एल फॉर्म, और एल फॉर्म में एनएच थ्री, सॉरी एनएच टू किधर लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो आपका एक अमीनो एसिड ये है, सपोज करो एनएच टू, सी एच आर कुछ भी हो सकता है, आर के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा आपका सी ओ एच, ठीक है। इधर एक और अमीनो एसिड होगा प्लस में, क्यों, क्योंकि क्या है पॉलीमर हो अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड। तो बार बार अमीनो एसिड रिपीट होंगे, आर ग्रुप आपका डिफरेंट हो सकता है, सी के बेसिस पे आपके अमीनो एसिड अलग अलग है। तो यहाँ पे एक और जो भी अमीनो एसिड होगा उसका अल्फो में लिखेंगे सी आर सी ओ ओ एच, और इधर एम एच टू, ठीक है। तो देखो इधर आपका एसिडिक पार्ट है, इधर बेसिक पार्ट, जब भी कार्बोक्सिलिक और एनएच टू पार्ट हो तो वो क्या रिलीज करेंगे, बॉटम में। जब आप दो अमीनो एसिड्स को हीट करोगे, बॉइल करोगे, तो यहां से इसको मैं कैसे लिख दूं, एम एच और एक एच इधर लिख दूं, तो यहां से क्या रिमूव हो गया आपका एच टू, ठीक है। एच टू रिमूव होने के बाद देखो आपके पास क्या बचा है, सी एच आ सी ओ, ठीक है, वोटर निकल गया बोन एनएच के बीच में, एन एच सी एच आर सी ओ ओ एच, ठीक है, और फिर एनएच टू। ऐसे अगर एक और अमीनो एसिड होगा तो वो लिंक कर जाएगा यहां से एच उस वाले के एनएच टू से एक और वोटर मॉलिक्यूल। तो देखो वॉट आफ्टर रिमूविंग वॉटर मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये वाली लिंकेज दिखाई देगा सीओ एन एच लिंकेज, इस टाइप के बॉन्ड को, इस टाइप के लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। इस लिंकेज का नाम क्या है, पेप्टाइड लिंकेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, तो आप क्या लिखोगे, जो दो अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके रखते हैं, सी ओ एन एच बॉन्ड है, इसको आप क्या बोलते हो, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड देखो, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड कितने अमीनो एसिड से निकली बना था, टू अमीनो एसिड, ठीक है। तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, डाई पेप्टाइड, डाई पेप्टाइड, जो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बने, टू अमीनो एसिड से मिलकर बने। अगर थ्री अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड कितने बने, दो, तो वो क्या हो जाएगा, ट्राई पेप्टाइड बॉन्ड, टेट्रा पेप्टाइड बॉन्ड। तो जनरल हम क्या बोलते हैं, सी वन एच बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। स्टूडेंट्स अभी तक हमने प्रोटीन्स में क्या देखा था, अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड जब भी कम
कंबाइन करते हैं तो क्या आप उसकी फॉर्मेशन करते हैं, पेप्टाइड बनती है। ठीक है, तो उसी के बेस पे ये तीन कैटेगरीज हैं। तो देखो ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है, ऐसे एक वर्ड हमने कार्बोहाइड्रेट में सुना था ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में क्या कहा था कि जहां पे 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड मिले हाइड्रोलिसिस के बाद। तो देखो यहां पर भी अगर किसी आपके अल्फा अमीनो एसिड बार बार कंबाइन कर रहे हैं और अगर 2 to 10 पेप्टाइड बोन्ड बनाए, पेप्टाइड बोन्ड की फॉर्मेशन हो, तो वो किस कैटेगरी में आएगा आपका, ओलिगोपेप्टाइड। और अगर बहुत सारे मैनी मीन ग्रेटर देन 10 पेप्टाइड बोन्ड बने तो क्या होगा, ओलिपेप्टाइड। अब देखो प्रोटीन क्या होते हैं, क्या ओलिगोपेप्टाइड प्रोटीन है या पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। अगर देखो मोर देन 10 की बात हुई, बार बार आपके अमीनो एसिड कंबाइन करते रहे पेप्टाइड बोन्ड से, और अगर पॉलीपेप्टाइड का मास, अगर पॉलीपेप्टाइड का मास ग्रेटर देन 10,000 AMU हो जाए, अगर पॉलीपेप्टाइड का मास इससे ग्रेटर हो जाए तो उस पॉलीपेप्टाइड को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन। ओके, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओलिगोपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। अगर किसी उसमें 2 to 10 पेप्टाइड बोन्ड बने तो वो आपका ओलिगोपेप्टाइड, मोर देन 10 पेप्टाइड, ये बहुत सारे हो सकते हैं, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, तो आपका पॉलीपेप्टाइड। और अगर पॉलीपेप्टाइड में इतने यूनिट्स कंबाइन हो जाए कि उनका मोलिकुलर मास 10,000 AMU से ज्यादा हो जाए तो वो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को कि प्रोटीन एक्चुअल में है क्या, नोट डाउन। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कि प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई कैसे करें। पहला क्राइटेरिया जिसके बेसिस हमने प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया है, दैट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे। उस बिहाफ पे हम प्रोटीन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। देखो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, लीनियर चेन होती है, फाइब्रस कंटेन्स लीनियर चेन, बहुत सारी लीनियर चेन। देखो ये सारी क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, वही आपका आर सी एच, ठीक है, सॉरी इनमें से कार्बन था हाइड्रोजन था, ये आपका आर ग्रुप था, अब फिर पेप्टाइड ग्रुप आता है सी ओ एन एच प्रोड्यूसर, तो ये सारे क्या है, पेप्टाइड चेन, दिस वन इज द वन पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन। तो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होगा, जो वेरियस पेप्टाइड चेन है वो लीनियर फॉर्म में अरेंज है, ठीक है, स्ट्रेट ज्यादा। तो ये आपका क्या है, फाइब्रस प्रोटीन, तो ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और दो चेन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, क्या तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या फिर डाइसल्फाइड लिंकेज, कौन सी होगी, डाई सल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज मीन्स एसएस लिंकेज, ठीक है। और ये जो आपकी प्रोटीन है फाइब्रस प्रोटीन, ये होती है वॉटर इनसोल्युबल, वॉटर इंसोल्युबल, पानी में इंसोल्युबल। इसका अगर एग्जांपल देखें हम तो आपके हेयर्स, ठीक है, हेयर्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, केराटिन। आपने बहुत सारे शैम्पूस वगैरह देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है इसमें केराटिन की अमाउंट है, ये है, तो हेयर्स में जो प्रोटीन है आपका कौन सा है, केराटिन। अगर हेयर को वाटर में डिजोल्व करेगी तो क्या डिजोल्व होता है, नहीं होता है, इसीलिए ये क्या है आपके फाइब्रस, सॉरी वॉटर इनसोल्युबल, और ये फाइब्रस प्रोटीन है। तो जब भी आपको फाइब्रस प्रोटीन बोला जाए तो दिमाग में आपको अपने हेयर आने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स के रिगार्डिंग फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल, एक पॉइंट को लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि थोड़ा बहुत अगर इसमें टेम्परेचर चेंज आ जाए तो इस तरह के प्रोटीन पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे, इट इज स्टेबल टू, स्टेबल टू
2, moderate change in temperature. Statement 2, moderate change in temperature. हमारे हेयर्स का थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज हो जाए तो हेयर्स को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पहले आप फाइबर्स प्रोटीन नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग प्रोटीन पे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे फाइबर्स प्रोटीन में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वैसे ग्लोबुलर प्रोटीन में थ्रेड लाइक नहीं होता। किस फॉर्म में होती है? क्वाइल फॉर्म। अगर आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन किस फॉर्म में है? क्वाइल फॉर्म में, ऐसे, ठीक है। इक्वाइलिन जैसे आपके जो रजिस्टर में होते हैं, स्पाइरल रजिस्टर जिसमें बोलते हैं, उसमें क्वाइल होते हैं, उस टाइप में अगर आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन, ये चेन कैसी है? पॉलीपेप्टाइड, बट किस फॉर्म में? क्वाइल फॉर्म में, ठीक है। और इक्वाइलिन ऐसे ऐसे होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, किसकी फॉर्मेशन कर ली इसने? एक स्पाइरल शेप की फॉर्मेशन कर ली। तो इस टाइप के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखो, इसके इक्वाइल फॉर्म में अरेंजमेंट है, ये कैसा अरेंजमेंट है आप देखोगे? क्वाइल फॉर्म में, ठीक है, क्वाइल फॉर्म में है। तो ये क्वाइल ऐसे बनेगी, तो इनवर्ड, देखो कुछ ग्रुप्स इनवर्ड आएंगे, कुछ आउटवर्ड जाएंगे। तो जो इनवर्ड आएंगे, इनवर्ड जो ग्रुप आएंगे वो क्या होंगे? वॉटर इनसोल्युबल, वॉटर इनसोल्युबल। या आप बोल सकते हो, अगर वो वॉटर में इनसोल्युबल है तो क्या होंगे? फैट सोल्युबल, फैट सोल्युबल। और जो ग्रुप आउटवर्ड होंगे, तो कुछ ग्रुप आउटवर्ड होंगे, कुछ इनवर्ड होंगे। तो जो इनवर्ड है वो वॉटर इनसोल्युबल है, जो आउटवर्ड है, ठीक है, वो क्या होंगे? वॉटर सोल्युबल। अगर बाहर की तरफ जो भी हमारा पार्ट है वो वॉटर सोल्युबल है, तो जब भी हम इस प्रोटीन को डिसॉल्व करेंगे वॉटर में, तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है? वॉटर सोल्युबल, वॉटर सोल्युबल। और इसी का अगर हमने फाइबर्स देखा था, वो मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर पे मीन्स चेंज नहीं करती, बट ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा सा हमने टेम्परेचर चेंज किया, ये चेंज हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इट इज सेंसिटिव टू, इट इज सेंसिटिव टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो और अगर आप इसके एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल में जैसे एल्बुमिन, एल्बुमिन ये प्रोटीन है जो किसमें प्रेजेंट होती है? व्हाइट एग, व्हाइट एग, ठीक है। तो जो येलो येलो कलर का लिक्विड होता है उसके अंदर, ठीक है। अब जब भी आप इसको हीट करते हो तो वो जो येलो पार्ट है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गया? उसने अपने स्ट्रक्चर क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो आपका ग्लोबुलर प्रोटीन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है विद द चेंज इन टेम्परेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबुलर प्रोटीन नॉट ऑल। अवर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। देखो, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स अरेंज हैं थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज। जो आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, वॉटर को तो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स रिलीज करेगा जिन जिन से वो मिलकर बना है। तो उसी प्रोडक्ट के बेसिस पे आपको प्रोटीन को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डेराइव्ड प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन में क्या होता है? आपकी प्रोटीन है, अगर प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स दे, नंबर मेंशन नहीं करो कितने दे, बट आपको सिर्फ ओनली क्या मिले? ओनली अमीनो एसिड मिले। मीन्स आपकी कोई भी प्रोटीन ली, आपने H2 हाइड्रोलाइसिस कराया और आपको क्या मिले? N अमीनो एसिड्स मिले, N अल्फा अमीनो एसिड्स। कितना भी नंबर हो सकता है, बट आपको अमीनो एसिड ही मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल अमीनो एसिड, सॉरी सिंपल प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या बोलते हैं? कि अगर आपको कोई प्रोटीन ली, ठीक है, आपने हाइड्रोलिसिस की, तो आपको अल्फा अमीनो एसिड तो मिलेगी, अल्फा अमीनो एसिड, बट इसके साथ साथ आपको एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिला, प्लस में नॉन प्रोटीन
नॉन प्रोटीन पार्ट में मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप। ठीक है, तो आपको अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा और एक प्रोस्टैटिक ग्रुप भी मिलेगा जब भी आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे। ठीक है, इसके एग्जांपल में अगर आप देखो, सिंपल अमीनो एसिड में आपका एग्जांपल रही कैरेटीन वाला, हेयर वाला ले सकते हो कैरेटीन। ठीक है, और आप अपना कंजुगेट एसिड वाले में एग्जांपल ले सकते हो न्यूक्लियो प्रोटीन। इसके एग्जांपल की बात करो तो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सिंपल अमीनो, सिंपल प्रोटीन एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ हमें हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट में अल्फा अमीनो एसिड मिलता है, और इसमें अल्फा अमीनो एसिड के साथ साथ हमें नॉन प्रोटीन पार्ट मिलता है, जिसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। पहले आप इतना टॉपिक करो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। हमारे नेक्स्ट टाइप उसी कैटेगरी की थर्ड पार्ट में आता है डेराइव्ड प्रोटीन। देखो डेराइव्ड प्रोटीन में क्या होता है, सिंपल कंजुगेटेड में तो हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर, बट डेराइव्ड प्रोटीन में हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। किसका, सिंपल प्रोटीन का और कंजुगेटेड प्रोटीन का। जब भी आप चाहे आप सिंपल प्रोटीन हो या कंजुगेटेड प्रोटीन हो, उसका आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वही आपके क्या है, डेराइव्ड प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल देखो, पार्शियल का मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप हाइड्रोलिसिस करो। आपने प्रोटीन लिया, थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस किया, तो आपको मिलेगा प्रोटीओज। प्रोटीओज के बाद मिलेगा आपको पेप्टोन्स। पेप्टोन्स के बाद पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड के बाद सिंपल पेप्टाइड। सिंपल पेप्टाइड के बाद अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन से अल्फा अमीनो एसिड तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, लेकिन ये पेप्टाइड है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, इस टाइप को आप क्या बोलते हो, डेराइव्ड प्रोटीन बोलते हो। दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। आज हमने थोड़ा सा मीन्स हाफ चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स काफी सिंपल टॉपिक है। वहां पे थोड़ा ग्लूकोज में बना कार्बोहाइड्रेट्स में स्ट्रक्चर वगैरह थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये वाला पार्ट कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा इंटरेस्टिंग और सिंपल है, तो ये सब आप नोट डाउन करो, लर्न करो,